नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज अडार में। सो दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट, और हाजिर हूं यहां पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, आज का जो स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है वो टाटा कैपिटल पंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर मैं यहां पे हाजिर हूं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जो है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। जैसा कि आपको पता है कि मैं मॉर्निंग में आपको स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन वीडियो देता हूं और इवनिंग में आपको जॉब रिगार्डिंग वीडियो देता हूं। तो इस चैनल को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है। अगर आपको इस चैनल से और इस वीडियो से वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें उससे फीडबैक मिलेगा, हम और ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको डिटेल में बताऊंगा। बस ध्यान रहे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर जब फॉर्म को भरेंगे तो फिर उस टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है यानी कि स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, वो है टाटा कैपिटल पंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप किसके द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि इसके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर कौन है? इसके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है टाटा कैपिटल लिमिटेड, यानी कि टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है टाटा कैपिटल लिमिटेड, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्कॉलरशिप किन को मिल रहा है, यानी कि हम आते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सो स्कॉलरशिप मिलेगा क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स को मिलेगा, साथ में अंडर ग्रेजुएट, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स में हो, प्रोफेशनल कोर्स या फिर जनरल कोर्स में हो, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो स्कॉलरशिप है वन टाइम स्कॉलरशिप है, आपको एक बार ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है, बार बार ये रिन्यूअल नहीं होने वाला है। ये स्कॉलरशिप किन को मिलेगा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्लास 6 to 12 स्टूडेंट की तरफ, यानी कि अगर आप क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स में हैं, अगर आप क्लास 6 से 12 में स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो प्रीसीडिंग क्लास में जो मार्क्सशीट आया हो वो कितना होना चाहिए, प्रीसीडिंग क्लास में ये 60% होना चाहिए प्रीसीडिंग क्लास का मार्क्सशीट, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ फैमिली इनकम सभी सोर्स से अगर मिलाते हैं हम, तो आपके फैमिली का इनकम जो होना चाहिए 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको बता दूँ कि जो भी अगर यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अगर आप गर्ल स्टूडेंट्स हैं या अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, कास्ट से आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है 50% रिजर्व है गर्ल्स के लिए, और साथ में SC ST को ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे। और नो डाउट फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपका देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं फिर भी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका वीक है तब पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इस बात में नहीं कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, बट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेस पे ये लोग देखेंगे, जिस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, ये हो गया क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें। अब बताता हूँ कि बेनिफिट क्या मिलेगा। सो बेनिफिट आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा 12,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि 12,000 तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 80% जो आपका जो फीस होगा वो जो होगा ये आपको देगी, यानी कि स्कॉलरशिप के द्वारा आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 12,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वन टाइम स्कॉलरशिप है, ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ये बार बार स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। किसके लिए होगा, आपको क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। साथ में ध्यान रहना चाहिए आपका प्रीसीडिंग क्लास, यानी पिछले क्लास में जो भी आपका आया होगा उसमें 60% रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आपके पूरे फैमिली का इनकम यानी कि टोटल अगर हम ऐड करते सब, तो टोटल आपका 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखोगे। 4 लाख या 4 लाख से मोर देन 4 लाख नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये है फैमिली इनकम को लेकर। और आपको बता दूं कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, किसी भी स्टेट से आप हो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। ये हो गया क्लास 6 to 12। हम आते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे है सेकेंड कैटेगरी, वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स को लेकर। यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में है और अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो या फिर फिफ्थ ईयर हो, यानी कि इंजीनियरिंग में अगर आप कर रहे हैं, मेडिकल में हैं आप, लॉ की आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप जो है मेडिसिन का कोई भी जो है कोर्स कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस है, तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है जो कि क्लास 6 to 12 के लिए था, यानी कि आपका मिनिमम जो लास्ट क्लास था या लास्ट सेमेस्टर में जो भी आपका मार्क्स आया वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, साथ में आपके पूरे फैमिली का इनकम जो हो वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड बी नॉट मोर देन 4 लाख, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और आप किसी भी इंडिया के स्टेट से हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
सो अब आते हैं बेनिफिट की तरफ कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। सो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में यानी कि इंजीनियरिंग मेडिकल और अगर लॉ की आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिस मत कीजिएगा टाटा कैपिटल लिमिटेड का ये स्कॉलरशिप है, बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है। आपका सवाल कमेंट बॉक्स में नहीं आना चाहिए कि सर स्कॉलरशिप फेक है या नहीं, ये बिल्कुल फेक नहीं है क्योंकि टाटा कंपनी का है। सो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्कुल बिल्ड होता है, ट्रस्ट का यहाँ कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि ये फेक है या नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है ये। सो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ना पूछना कि फेक स्कॉलरशिप है या सर जेन्युइन स्कॉलरशिप, बिल्कुल जेन्युइन स्कॉलरशिप है। टाटा कैपिटल लिमिटेड का है तो ऑब्वियस है, नो डाउट ये जेन्युइन स्कॉलरशिप है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट जनरल कोर्सेस में है लाइक अब बीए है, बीएससी कर रहे हैं स्टडी, ओके बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, ये सब अगर आप कोर्स कर रहे हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट जनरल कोर्स में आप हैं अभी, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस बशर्ते ध्यान में रखना है कि लास्ट सेमेस्टर जो भी आपका आया हो वो आपका कितना आना चाहिए, 60% से आपका यहाँ पे आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए मार्क्स, ओके इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और साथ में आपके पूरे फैमिली का जो इनकम है वो आपका 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और साथ में आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए, स्कॉलरशिप ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट के लिए है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ आते हैं बेनिफिट की तरफ। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा वो मिलेगा 20,000 तक का स्कॉलरशिप अगर आप जनरल कोर्स में है, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट जनरल कोर्स में है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा 20,000 का, जो कि ऑलमोस्ट 80% तक का स्कॉलरशिप आपको ये दे रहे हैं। तो ये है हो गया डिटेल्स आपको लेकर, क्लास 6-12 के बारे में बता दिया, अंडर ग्रेजुएट जनरल कोर्स के बारे में बता दिया और अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता दिया। अब आते हैं कुछ आपके FAQs ले लेता हूँ क्वेरीज को लेकर, जो ऑब्वियस है कि कमेंट सेक्शन में आना जरूरी है, आपका सवाल आएगा ही। तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है इसका डेडलाइन जो है 31st August 2022 है, यानी कि 31 अगस्त 2022 से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। ये वन टाइम स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन देखिए कैसे होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका एकेडमिक मेरिट बेस्ड है, साथ में फाइनेंशियल मेरिट बेस्ड है, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन बस करते हैं अगर ये लोग चाहे तो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू जो भी होगा वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको कॉल आएगा यहाँ इनकी टीम की तरफ से और आपसे जस्ट छोटे मोटे से सवाल करेंगे, लाइक आपके एम को लेकर, जर्नी को लेकर, आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, आपके इंटरेस्ट को लेकर, आपके गोल को लेकर और जो आप स्टडी कर रहे हैं उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। बस इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा इंटरव्यू होगा, तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ये हो गए सारे डिटेल्स। अब आते हैं कि स्कॉलरशिप जो होगा आपको यहाँ पे वो कम मिलेगा। तो स्कॉलरशिप देखिए मिलने का क्या, जब हमको अप्लाई कर देंगे तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन का जो टाइम होता है वो हो सकता है कि 2 months मिनिमम ड्यूरेशन है, मे बी मैक्सिमम 3 to 4 months भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम रहता है 2 months, यानी कि अप्लाई करेंगे तो 2 महीने के अंदर में स्कॉलरशिप आ जाता है, नहीं तो 3 महीना भी, 4 महीना भी कभी कभार लग जाता है, मिनिमम 2 महीने तक का टाइम यहाँ पे लगता है। अप्लाई कैसे करेंगे लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपने जीमेल फेसबुक से उसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप सीधे टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम पेज पे आप वहाँ पे चले आएंगे। वहाँ चले आने के बाद आप सीधे वहाँ पे फॉर्म को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप चेक कर लीजिएगा, और सब चेक करने के बाद फाइनली जो है आप सबमिट बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको। तो यहाँ जो स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड आपका लगेगा, और आपका यहाँ पे एडमिशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एडमिशन प्रूफ क्या हो सकता है, आपका फी स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं जो कि आप किए होंगे, फी रिसीट सबमिट किए होंगे, एडमिशन लेटर आप दिखा सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, या फिर कॉलेज आईडी या स्कूल आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं जो कि आपका एडमिशन प्रूफ यहाँ पे होगा। अब आते हैं यहाँ पे फी रिसीट। फी रिसीट आपको लिया जाएगा करंट एकेडमिक ईयर फी रिसीट, यानी कि अभी जो आपने फीस दिया होगा उसका आप लोग फी रिसीट यहाँ पे कॉपी मांगेंगे ताकि पता चल जाएगा फीस कितना है आपके कॉलेज या स्कूल का। अब आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या लगेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इनकम प्रूफ चाहिए तो इनकम प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं आप, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16A अपलोड कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ये सब भी नहीं है तो सैलरी स्लिप जो है आपके घर में किसी का फैमिली का तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक पासबुक। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगेगा। बैंक डिटेल्स में आपको क्या अपलोड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके वो अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ उसका, साथ में कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं, और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी भी आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स टाटा कैपिटल बैंक स्कॉलरशिप को लेकर। अगर कुछ डिटेल्स लगता है कि मेरे से मिस हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसा ही स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ कल सुबह मॉर्निंग में
ठीक 11 बजे। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि सही में कुछ आपको हेल्प कर पाता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सब तक, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए ताकि हर किसी को स्कॉलरशिप मिले और कोई भी जो है इससे चूक ना पाए। तो दोस्तों दिस इज वैक्सीन साइनिंग ऑफ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।